दिन है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए और रात है संगम युग में वो जब ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष न होने पाए। तो अभी रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, राम वाली आत्मा एक चक्कर काटती है, बार बार चक्कर नहीं काटती। माने जन्म मरण के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा आती है नित्य अनित्य के चक्र में, राम वाली आत्मा नित्य अनित्य के चक्र में बार बार नहीं आती। लंबा चौड़ा है कहाँ बचता है? संगम में संगीत बजता है। बाबा तो मुरली में बोल दिया है गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? ये ज्ञानियों का कर्म नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो दुनिया को हम कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ ढोल मंजीरा बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दुनिया को विश्वास होगा ये विनाश सामने खड़ा है, फेसबुक बना रहा है। लेकिन भक्ति करने से तो रोकना नहीं, क्या किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है कि गर्दन पकड़ी जा रही है? नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं बाबा का आदेश है ऐसा वैसा। बाबा का आदेश तो 70 साल से चल रहा है, तो मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले जबरदस्ती के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। बाबा ने कोई के ऊपर जबरदस्ती लागू किया क्या? फालो कर बाबा ने, तुम भी फालो बाबा को फालो करो। बाबा तो सिर्फ बता रहा है, बाबा जैसे कोई भक्ति करना चाहता है गाने का कैसे मांगते हैं कि दूसरे को देना तो किया जाता कि बाबा ने मना किया। कोई मांगते हैं तो मांगने वाला भगत है या ज्ञानी है? भगत है। तो पहले भक्ति जो भगत है भक्ति कर रहा है उसके लिए मुरली में आर्डर क्या है? मांगने से भी बढ़ना पड़ा नहीं नहीं तो उसका कर्म हो गया, चंदा मांगना या भीख मांगना। लेकिन मुरली में आर्डर है जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने से रोकना नहीं, उनकी भक्ति पूरी होने दो। हाँ, भक्ति से भी टूट जाए और ज्ञान से तो बेचारा टूटा ही हुआ है, तब तो भक्ति कर रहा है। इसलिए भक्ति करने वाले को व्यवधान पैदा मत करो, सहयोग भले न दो लेकिन व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। विष्णु विष्णु 5 to 5 6 वाले सर्च में लेटिंग है अपना सर उसे देखने 5 मिनट है। विष्णु ने 5 6 वाले सर के ऊपर लेटा हुआ है अपना सर के अगर 5 to 5 6 मतलब क्या हो? अरे दोनों एक ही रूप में पाठ बजाए रहे हैं संगम में, ये अलग अलग व्यक्तित्व है। चाहे विष्णु है, चाहे शंकर है, चाहे ब्रह्मा वाली आत्मा है, उनका जो मूल रूप है पर्सनालिटी है वो एक ही है या अलग अलग? एक ही तो है, समझने की बातें हैं। शंकर का शरीर में एक एक तक 5 हुआ है,
शंकर का शरीर में एक 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 सिर वाला पांच स्तर हुआ और विष्णु का शरीर में पांच एक ही शरीर में पांच सिर वाला स्तर पर बेटा हुआ। जब विष्णु संपन्न बनेगा तो विष्णु की जो रक्षा करने वाले सर्प हैं वो मिलकर के एक नहीं बनेंगे, हैं? वो भी एक हो जाएंगे। जो जैसा होगा वो वैसे ही पढ़ाई पढ़ा देगा, दूसरी पढ़ाई पढ़ा देगा, जैसा होगा वैसे पढ़ाई। तो जो ऐसा है ईश्वर का बनता है फिर धोखा दे करके ईश्वर के बचाव चलता है, शादी बर्बादी करता है और इस बात को नहीं मानता कि शादी बर्बादी है तो दूसरों को क्या पढ़ाई पढ़ाएगा। शादी कर करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए या कुमार जीवन रह करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, क्या समझाएगा? शादी करने वाला, शादी करने वाला क्या समझाएगा? वो यही समझाएगा कि जो हमने किया है वही तुम करो। बाबा क्या परमिशन दे रहे हैं? बाबा परमिशन दे रहे किसको? बाबा को क्या है, बाबा तो जानते हैं कि सबकी गीता पाठशाला एक जैसी तो चलने वाली नहीं है। सबकी गीता पाठशाला में पांच पांडव हमेशा रहे ये तो हो नहीं सकता। ऐसे भी हो जाएगा कि सातवें दिन क्लास करने वाले क्रिश्चियन और मुसलमान बन जाए, संडे संडे क्लास करें, जुम्मा जुम्मा क्लास करें, जामा मस्जिद में जाने वाले बन जाए, कि सब पांडव बने रहेंगी गीता पाठशाला। बाप को परमिशन देने में क्या जाता है, खुशी तो करेंगे। जिनका घर गीता पाठशाला से दूर है, कितना दूर है? 10 कदम दूर है तो भी दूर कहा जाए, 12 किलोमीटर दूर है। और 12 किलोमीटर जिसका घर दूर है उसके पास मोटरसाइकिल है तो दूर है नहीं? अच्छा चलो मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है नहीं, आधा घंटे में पहुंच सकता है तो दूर है। ये तो सब बहानेबाजियां है। तो होते हैं लॉस इंद्रियो, तो होते हैं लॉस इंद्रियो, पांच ज्ञानेन्द्रियो पांच कर्मेंद्रियो, तो ज्ञानेन्द्रियो तो सही है लेकिन कर्मेंद्रियो में एक विघ्न डालता है, कोई कोई बोलता है वही ज्ञानेन्द्रियो है वही कर्मेंद्रियो है, इसका आप कर्मेंद्रियो उनको कहा जाता है जिनसे कर्म किया जाता है, हाथों से कर्म किया जाता है, कोई चीज पकड़ते हैं, कोई चीज हाथ में लेते हैं तो कर्म किया ना, पांव से चला जाता है, मल त्याग करने की इंद्रिय है, करना जरूरी है नहीं तो मौत हो जाएगी, मूत्र त्याग करने की इंद्रिय है करना पड़ेगा, स्पर्श इंद्रिय है बंद करना पड़ेगा, वो ज्ञान इंद्रिय हो गई, ज्ञान होता है
इस बात का कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, कांटा है, पत्थर है, गीला है, लिक्विड नहीं है। ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान इंद्रिय अलग चीज, वो बुद्धि की चीज है, और कर्मेंद्रिय अलग चीज। तो कोई कोई विघ्न डालता है ना, पर वही ज्ञान जो है वही कर्म समझ नहीं है, समझाओ बाबा। जैसे घर में भाई का बच्चा है, लौकिक में भाई का बच्चा है, वो ज्ञान में नहीं चलता है छोटा बच्चा, तो जैसे संडा छोड़े में गया तो नहाता नहीं हर बार, और मजबूरी में उसको पकड़ना पड़े तो नहाना चाहिए उसके बाद, क्या नहीं पकड़ो। हर एक धारणा का पॉइंट अपने ऊपर लगाना है, दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करना है। बच्चा तो पहले ही हमारे मुकाबले ज्यादा महात्मा है, जो है ही महात्मा, जिसके वाइब्रेशन महात्मा के हैं, जिसकी दृष्टि महात्मा की है, निर्विकारी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझदार हो जाएगा तो अपने आप मानेगा। हाँ जी, हम करेंगे तो हमें देख छोटे करेंगे, बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देख छोटे अनुगमन करेंगे। अज्ञानी तो लक्ष्मी का स्नान नहीं करते, ये ज्ञान ज्ञानियों के लिए है, ये अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है। तो प्रदर्शन जरूरी है, प्रदर्शन सीधी साथ में भी बैठते हैं गाड़ी में है, साथ में भी गाड़ी में बैठते हैं अज्ञानी है, तो उसके बाद नहाने में जरूरी है या चलेगा साथ? अगर साथ में बैठे हैं और याद में बैठे हैं तो हमारी बुद्धि दूषित होगी, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और नहीं होगा याद में तो लगे, आपकी खुशी में रह करके बचा रह सकता नहीं। जो मुरली में डायरेक्शन है वो ये है कि अगर पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं, इंद्रियों से छीनता होती है, भूत फलित ही बनते हैं। बाबा क्लियर करते हैं एक एक बार, अथवा लैट्रिन जाते हैं तो नहाना, के साथ बैठ करके सफर कर रहे हैं, आधा घंटे सफर किया फिर ना आया, फिर दोपहर के बाद सफर करना पड़ा फिर ना आया, फिर शाम को सफर किया फिर ना आया, ऐसे तो डायरेक्शन नहीं दिया। लेकिन बंदर बुद्धि बंदर का काम करती है, तो जिसका बीमारी होता है वो क्या करेगा? एक बंदर की कहानी है, बंदर ने किसी आदमी को रोज देखा कि वो दाढ़ी बना रहा है, और तुरे से चाकू होता है ना उससे दाढ़ी बना रहा है, उसने देखा दुकान खाली है, कोई नहीं दुकान में, वो भी चला गया कुर्सी में बैठा और चाकू मारने लगा। तो डायरेक्शन को ज्यों का त्यों फॉलो करना और फिर उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देना, ये बंदर बुद्धि की बात है। परमात्मा से गीता को ज्ञान दिया तो गीता का नाम कैसे पढ़ा होगा?
भगवान आकर के जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान में रहस्य भरा होता है या नहीं होता है? और जो रहस्यमय वाणी होती है वो एक प्रकार का गीत ही है। जिसका गायन होता है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो भी वाणी है वो हमारे लिए गीत है। गद्य नहीं है, पद्य है, पोएट्री है, विशेष अर्थ है। उसको धारण करने वाली गीता है। हमारा शरीर में जो बिल्कुल नाभि है वो नाभि आग में क्यों जल कर राख नहीं क्यों बन गया? हमारा शरीर में नाभि है वो नाभि आग में जल कर क्यों राख नहीं बनते? कहते हैं कि रावण को राम ने ढेर बाण मारे और जितने बाण मारते जाते थे, जितने सर काटते जाते थे, वो सर बार बार उगते जाते थे। अभी शूटिंग हो रही है। ये जो प्रश्न निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? इस सर से निकलते हैं। चाहे जितने ही बाण मारते जाए वो प्रश्नों की बौछार बढ़ती ही जाती है। तो रावण के सर निकलते ही जाते हैं। फिर विभीषण ने एक युक्ति बताई, युक्ति बताई कि नाभि कुंड में बाण मारो तो रावण मर जाएगा। कि नाभि कुंड में अमृत रखा हुआ है। नाभि जो है वो शरीर का ऐसा स्थान है जहाँ शरीर की 16,000 नसें नाड़ियां आकर के मिलती है। विजयवाला की हेड जहाँ से 16,000 नसे नाड़ियों का मेल होता है में अमृत तत्व तो निवास करता है। अमरत्व विच नहीं निवास करता है। इसलिए बोला कि विजयमाला का आवाहन करो। नाभि कुंड में अगर बाण लग गया तो रावण के जो सिर हैं जो कटने से भी कटते नहीं है, नए नए सिर निकलते चले जाते हैं, वो खलास हो जावे। नाभि अमृत है और वो अमृत कभी नष्ट नहीं होता है। पीने वाले को भी अमर बनाता है। तो उसमें तो आधा तो शुद्ध कुल का है, आधा गंदा कुल का है। तो गंदा कुल का वो विष नहीं होता है?
कोई भी कुल का हो, जो धारणा करने वाला है उस धारणा करने वाले के साथ धारणा न करने वाला रहेगा तो परिवर्तित होगा या नहीं होगा? हो जाए पवित्र न होने से आह्वान करना है, इसका मतलब पवित्र न होने से आह्वान नहीं करना है। बोला है जो पतित से पावन बनने वाले हैं वो पतित पावन सीताराम को बुला लेंगे, जो पतित से पावन नहीं बनने वाले वो पतित पावन सीताराम को बुला लेंगे। मिले माने दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले कच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं, वो दिल से राम सीता वाली आत्माओं का आवाहन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो पतित से पावन बनने वाले ही नहीं, जो बनने वाले हैं उनके दिल से आवाज निकलेगा, आओ बाबा। जब आवाहन करेंगे तो याद तो आएगी किसकी आवाहन की जाएगी? बात हुई है क्या? आवाहन ब्रह्मा बाबा को कर रहे हैं गुलजार दादी के तन में, तो गुलजार दादी को याद करेंगे? जैसे विजय माला की जो हेड है उसको आवाहन करेंगे तो वो याद आएगी कि नहीं? विजय माला की हेड को आवाहन करेंगे कि आओ, तो आवाहन करने के लिए हम सर्पलाइट डालेंगे ना बाबा की याद में, कि उल्टा तरीका अपनाएंगे, सर्पलाइट डालेंगे बाबा हमारे साथ रहेगा। और बाबा अर्जुन का पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया है, अर्जुन को पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया हाँ जी, समान जो कौन दिव्य वस्त्र? दिव्य माने दिव्य गुणों का शक्त, दिव्य गुण गुणों में गुणराज कौन सा है? सहनशीलता। दुनिया का जब विनाश होगा विशेष सहनशील जो आत्माएं होंगी वही विजयी होंगी, नहीं तो विजयी नहीं बन पाएंगी। विष्णु नहीं दिखाते हैं, भगवान दिखाते हैं अर्जुन को विराट रूप। विराट रूप का मतलब है सारा विश्व मेरे में समाया हुआ है। दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और निष्कर्ष से निष्कर्ष है, ऊंचे से ऊंचा है और नीचे से नीचा है, वो मेरे में समाया हुआ है। ये ज्ञान हो जाए अर्जुन को, तो अर्जुन बातों से नहीं मानता है, प्रैक्टिकल अनुभव कर लेता है तब मानता है। चलो।